आज हमारा चूल्हा बिल्कुल ठंडा पड़ा है, कुछ नहीं बनाया इसने। फिर बोलती है क्या बनाऊं। पटकियों में तो नीचा भी गिर गया, के तो एक फायदा किया ठीक नहीं। गुड मॉर्निंग। अच्छा तो मैं उठी ना बेटा, तो क्या करे, छुट्टी है ना, छुट्टियों में चले। आज क्या बोल रहे थे चीकू आप, आज बारिश होएगी? बारिश होएगी गदरते कैसे पूरी क्या तो होएगी यार। आज मैं काम कर रहा हूं। कबूल कर ली भाई, कबूल कर ली बात। कल मैडम का फोन आया था, पता है, पता आपको? और पूछा आपने मैडम ने क्या बोला? मैडम ने बोला रेहान तो बहुत अच्छा बच्चा है, गुड बॉय है, 10 में से 0 नंबर लाता है। इंडिपेंडेंस डे तो होता है बेटा 15 अगस्त को, जब देश आजाद हुआ था। और ना आज के दिन, आज क्या है, रिपब्लिक डे। क्या है आज रिपब्लिक डे? हाँ, क्या बोलते हैं रिपब्लिक डे को हिंदी में? गणतंत्र दिवस। आज के दिन ना बेटा, हाँ बताओ क्या हुआ था? आज के दिन ना बेटा अपना संविधान लागू हुआ था। आज के दिन ना सबका संविधान लागू हुआ था, ठीक है बेटा? याद रखनी है ना, फिर याद रखनी है ये बात, जब कोई पूछेगा ना तो बताओगे ना क्या हुआ था आज के दिन? बस चल, बताओ क्या हुआ था आज के दिन? छोटा है ये, छोटा है, अभी बड़े वाले से भी पूछते हैं। तो जी इनको तो कोई काम है नहीं है, सारा दिन पड़े रहो रजाई रजाई रजाई। ये मेरी चूड़ियो सेट कर दो आप बैठे बैठे इतना। देखियो अंजी मैं इतना और काम कर लूं, इधर तो देख लो ना एक बार, देखो छुट्टी है, आप भी कुछ तो काम करवाओ। छुट्टी तेरे काम करवाता आसान सा काम है जी, कुछ नहीं सिर्फ मैचिंग करके। तो गाइस पता क्या हुआ, जैसे शादी वगैरह थी ना तो तब का भाई ये माल मसाला मेरा ऐसे ही पड़ा है, बस ना मेरे को टाइम लगा ना दिल कर रहा था ठंड की वजह से। तो आज फाइनली इनका टाइम आ चुका है, इनको सेटिंग वेटिंग करेंगे और रखेंगे। तो समझ में नहीं आ रहा अभी कहाँ से शुरू करूँ कहाँ से खत्म करूँ, बाकी करना तो पड़ेगा भैया, क्या करें। ये देखो सुंदर सुंदर सी चूड़ियाँ मेरी पैकिंग की पैकिंग ऐसी रखी हुई है, क्योंकि ऐसे इस कलर के सूट में ओ तेरी मिल गई ऑरेंज कलर की। हाँ जी कल मैंने ये वाली डाली थी, देखियो रील बनाने वास्ते, देखो ये वाली डाली थी, पर अब लुक चेंज करेंगे, ये डालूंगी मैं ऑरेंज। ऑरेंज भी मिल गया भाई, व्हाइट मेरे पास है ही है, एक ग्रीन, और ये मिल गई जी ग्रीन चूड़ियां भी। देखिए देखो ढूंढने से तो कुछ भी मिल ही जाता है। तो कल ऐसे ही फास्ट फास्ट मतलब बस वीडियो बनाने के चक्कर में, तो चलो अभी देखती हूँ मैं कुछ और भी मिलेगा तो करते हैं जी काम शुरू। ये देखो ऐसी पैकिंग की पैकिंग, ये वाली चूड़ियां रंग बिरंगी मेरे पास। मेरे को चूड़ियों का बहुत शौक है भाई, बहुत ज़्यादा शौक है। तो अभी करते हैं इनकी मैचिंग मैचिंग। ये देखो सब ऐसे ही पड़ी हुई है, भाई की शादी में गई थी, देवर की शादी में गई, तब से ऐसे ही रख दी थी, बस अब इनकी सेटिंग करके रखूँगी। यार कितनी समस्या वाला काम हो गई है नी, जो दो बार लगे गेल दर्द में दिमाग तो कोनी थारे में, फिर दिमाग तो गुड्डी पीछे हुआ। अच्छा पॉइंट में आ रही मेरी बात पे है, और ऐसे बोलते हैं कोई सारा संधारा खंडा का बिट्ठी पता, टाइम ते संभाल दे हैं कोई ब्याह भी उसे लिखड़े हैं नहीं, बिचलो रीत तो बड़ा मां जी जड़ा जी आया ठाका फेंक दिया, ठाका फेंक दिया ये भी है सारी। कई दिनों का सोच रही थी मैं करूं करूं करूं, पता मम्मी और भी देखा नहीं लोग, पता है ना वो तेरा वीडियो शुरू ही नहीं करी। देखियो वो भी पैकिंग के सोने
तो जी डॉक्टर साहब को ये लगता है ना कि मैं क्या काम करती हूँ, तो आज इनको दिखाते हैं हम अपने काम, क्योंकि अभी सुबह का निपटा है और बोल रहे हैं दोपहर को क्या बनाएगी। तो मेरा भी सुबह का भी निपटा हुई, देखो पहले किचन को साफ करेंगे, बर्तन को वॉश करेंगे, फिर करेंगे जी दोपहर की तैयारी। फाइनली मेरा काम है जो फिनिश हो चुका है, देख लीजिए आप सभी, बाकी मैजिक नहीं है भाई, मेरे को बहुत टाइम लगा है, कम से कम एक डेढ़ घंटा लग गया पूरी सफाई करने में। देखो तो जी फाइनली देखिए मेरा काम है जो कंप्लीट हो चुका है, मैजिक नहीं है भाई, पूरा टाइम लगा है मेरे को साफ करने में। और देख लीजिए कुछ इस तरह से जो साग वगैरह बनाने के बाद दाग धब्बे लग जाते हैं, तो वो भी साफ करने पड़ते हैं डेली डेली से ही किचन में कुछ इस तरह से। बाकी मैंने कुछ क्लीन कर दिया है और कुछ हम कर रहे हैं अभी, टैले वगैरह भी मेरी साफ़ हो चुकी है, यहाँ पे इस टैलों पे तो डेली कपड़ा मारना पड़ता है भाई, नहीं तो गंदी हो जाती है, फिर कुछ वाइट कलर होता है वो दूर से ही मैला मैला दिखता है, फिर तो कुछ साफ सफाई हमारी हो चुकी है। और इधर चढ़ा दिया है जी हमने छोले, दोपहर को छोले बनाऊँगी, और रात को मैंने बनाया था जी साग, और किचन कुछ इस तरह का हो गया मेरा सुंदर सा ब्यूटीफुल सा। तो चलो जी दिखाती हूँ आप लोगों जो कूड़ा निकला है मेरा, देखो ये कूड़ा निकला इतना सारा, झाड़ू लगाया मैंने अभी, बहुत सारा काम पड़ा है भाई, निपटाती हूँ काम, मिलती हूँ थोड़ी देर के बाद। तो जी देख लीजिए फाइनली बहुत टाइम के बाद आज पूरी सर्दियों में बेड शीट है जो दिख रही है बेड पे, क्योंकि ना सर्दी इतनी ज़्यादा, अभी पूरा दिन कंबल रजाई यहाँ से उठती ही नहीं है, तो आज मैंने बेड शीट बिछाई तो कई दिन से पर दिख नहीं रही थी, तो कुछ इस तरह का रूम मेरा हो चुका है। और कारपेट मैंने यहाँ एक्सरसाइज वगैरह करने के लिए बिछाया है, क्योंकि मैं यहाँ पे एक्सरसाइज वगैरह किया करूँगी। धूप निकल चुकी है जी आज भी यहाँ पे, रजाइयों को मैंने बाहर धूप लगाने के लिए डाल दिया। और एक ये प्राणी है हमारे घर में हेलो, बड़ी सुंदर लग रही कोटी तो जी बाहर। और अभी आंटी थी यहाँ पे, सारे गिल्ला गिल्ला कर दिया पानी, देखो गली में पानी पानी। काम यहीं पे ख़त्म नहीं होता है, अभी इतने सारे कपड़े लगाने हैं तय, और इतने सारे मैंने तह लगा के रख दिए हैं। इधर ही चीकुआ डिपार्टमेंट ऊपर अंश का, ऊपर इसके पापा के कपड़े, क्योंकि भाई इशू पता है क्या है, मेरी अलमारी का कुछ इस तरह का हाल है अंदर से, तो अलमारी ना मेरे को छोटी पड़ती है, तो बड़ी अलमारी लेनी है हमें, तो देखते हैं थोड़ा भी टाइम लगेगा टाइम के अकॉर्डिंग, इसलिए ना इस रैंक में कपड़े शिफ्ट करने पड़ते हैं मेरे को, तो कपड़े मैं लगा देती हूँ जैसे तैसे, फिर से ख़राब कर देते हैं बच्चे, तो दिखाऊंगे आप लोग कितने दिन तक रहेंगे सेट किए हुए। एक एक कपड़ा तय लगा के रखा है मैंने, इकल्ला इकल्ला कपड़ा देखो, और अभी इनको भी करेंगे, बाकी बेड और अलमारी दोनों इकट्ठे लेंगे हम जब भी लेंगे ना।
तो जी फाइनली मेरी छोले की सब्जी है जो बन के हो चुकी है रेडी, और इधर मैंने बना दिया जी रोटी जल्दी जल्दी जल्दी। उधर इधर ये पापा बेटा दोनों खा रहे हैं। कैसी लगी सब्जी चिकू जी, कैसी लगी आपको सब्जी? भूख लगी हुई थी आपको तो बहुत, कैसी लगी? इतना बिजी खाने में नहीं पता लग कैसी रही है। चलो जी खाने देते हैं इनको, डिस्टर्ब नहीं करते, मजा आ रहा है। यो क्या काम कर रही है तुम? ओए क्या कर रही हो? देखो खिचड़ी बनाएगी बाजरे की, बस खिचड़ी खड़ाई है, खड़ाई है मानना उठा के देख लो, बस कभी पत्थर तोड़ दे यू। रोज रोज को लगते हैं यहाँ। अंदर तो नहीं छोड़ना हुए तो जी अब हम बनाएंगे बाजरे की खिचड़ी। देख लीजिए बाजरा कूट के तैयार कर लिया, मैं इसको वॉश करके डालूंगी भी क्योंकि किरकल मिट्टी वगैरह होती है इसमें। तो ये मैंने ले लिया जी एक कटोरी चावल, और इसमें डालेंगे हम चने की दाल, कुछ इस तरह से बनाते हैं हमारे यहाँ खिचड़ी, और नमक डालेंगे, देसी घी डाल देंगे। और ये देख लीजिए मैंने इसमें पतीली में रख दिया पानी, चूल्हे पे बनाएंगे अभी हम, देखते हैं आग जल रही है या नहीं हमारी, और चूल्हे पे बनाएंगे भी आज बाजरे की खिचड़ी। तो जी देख लीजिए यहाँ पे मैंने बाजरा है जो धो लिया है, क्योंकि अगर हम धोएंगे नहीं ना तो इसमें ना बड़ा ही गंदा सा कचरा कंकड़ पत्थर सब आते रहते हैं, और ये देखो कितना गंदा हो गया ये आप लोगों के सामने। मैं इसको निकाल के दिखाती हूँ पानी इसका ऊपर ऊपर से, देखिए कितना गंदा पानी हो गया इसका ऊपर से गंदा बहुत। तो मेरी आदत है अभी हमेशा से मैं धो के ही बनाती हूँ जब भी बाजरा बनाती हूँ, अब मुझे पता नहीं है धोते हैं या नहीं धोते हैं, पर मेरी आदत है अभी मैं तो धो के ही बनाती हूँ। तो इसको एक दो बार और धो लेंगे, और ये चावल वॉश कर लूँ मैं, और दाल दिखाती हूँ आपको थोड़ी देर के बाद। तो जी अब हम इसमें डाल देंगे बाजरा जो हमने धोया है, देख लीजिए, और दाल तीनों चीज़ डाल देंगे। आज आग पता नहीं क्यों भाई मेरे को धोखा दे रही है, धुआं 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 हो गया। तो चलो जी मैं आग बाल लूँ एक बार, दिखाती हूँ आप लोगों को फिर मिक्स करने के बाद। तो जी हमारी आग है जो अच्छे से बल चुकी है, अब हम सारा मिक्स कर देंगे इसमें, और ये मन खाट है जो मैंने इसलिए लगाई है क्योंकि बहुत तेज हवा चल रही है भाई यहाँ पे। और ये डाल दीजिए हमने फाइनली इसमें दाल, और अब अपने स्वाद के अकॉर्डिंग हम नमक डाल देंगे। मैंने पहले भी डाल दिया था, वो दिखाना ध्यान नहीं रहा मेरे को, भूल गई थी मैं। तो ये देख लीजिए ये सब मिक्स कर देंगे हम। बाबू कहाँ हो गया? अच्छा कैसे मुंह लटका रखा है बाबू ने, कैसे मुंह लटका रखा, कहाँ हुआ? इसको टेबल नहीं आ रही ना,
इसको टेबल नहीं आ रही है गाइस, अभी हम टेबल याद करेंगे फिर लिखेंगे। और मैंने ना मैंने एक नुकसान कर लिया, वही बता दूं ना, बता दे इधर के बता देगी फिर फोटो को जीण कर देते हैं। सही बात, छोड़ो छोड़ो, हम नहीं बताते, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, हम सेक रहे हैं आज, ठंडी का मजा ले रहे हैं, बड़े दिनों के बाद खिचड़ी बनाई है हमने, बाजरे की खिचड़ी। उधर अब मैदान में आ चुकी है डॉक्टर साहब, घुमा दो हंजी ने, एक मिनट मंत्र कली कलंतर कुछ नहीं है जी। मैं 4 बजे से लगी हुई हूँ और 6-7 बजने वाले हो रहे हैं मेरे ख्याल से, तो और अब बड़ी है मेरी बाजरे की खिचड़ी, देखो बड़ी ही टेस्टी सी खिचड़ी बन चुकी है भाई, देखो बाजरे की और चूल्हे की खिचड़ी, देसी घी हो या दूध हो या गुड़ की चाय हो या चाय हो, नॉर्मल तो खा के स्वाद ही आ जाता है, गर्मियों सॉरी सर्दियों का तो तोहफा है भाई, बाजरे की रोटी खिचड़ी बाजरे की और सरसों का साग, ये चीज़ें बड़ी टेस्टी लगती हैं चूल्हे पे बनी हो तो और भी स्वाद आ जाता है, बस 4 चांद लग जाते हैं। और जब अभी हमारी लड़ाई हुई थी ना, वो लड़ाई नहीं हुई थी, लड़ाई थी जी अपनी कोई, ले पकड़ो आपका गिफ्ट, इतनी सी लड़ाई हो बस हमारी, हम मान मैं मान भी गई इसके बाद, है नी है ना। ओ जी हो चुका है, अब मेरा कपड़े धोने का टाइम। ये देखिए गाइज, हमारा चूल्हा बिल्कुल ठंडा पड़ा है, कुछ नहीं बनाया इसने, फिर बोलती है क्या बनाऊंगी, क्या बनाया था ना आज, बाजरा कच्चा, हाँ, बस वो भी कच्चा, वही है बाजरे की खिचड़ी बनाई, चूल्हे बनाई आज मैं, चूल्हे सब्जी को नहीं अपना, चूल्हे पे बनाई है। ये देखिए दाढ़ा रखी, चूल्हे पे खिचड़ी बना रही है, देखिए राशन भरया पड़ा, ये देखो देखिए देखिए, ये देख सब्जी, एक बड़ी जाड़ी की सब्जी दिखाओ, कितनी सारी रखी है देखो, कटोरी बड़ी 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 बड़ी, के खाओगे इतनी, मांग मांग का लेवा सारे सब्जी, तो यही रहेगी कमी, चूल्हे खाने का मजा है, उधर उधर दिखा दो, देख वो देख खिचड़ी, और देखो बजरे की खिचड़ी कहना चाहो, हम ये काफी होते हैं इतने क्यों घेरे थे, कम घेर लंदी कपड़े पटके होंगे तो
नीचा भी गिर गया के तो एक फायदा किया देख नीचा भी गिरने लग रहा है यार पानी में पड़ने आया मोटे मोटे है ना मोए मोए पंच देखो जान मेरे देखो कितने बड़े ले मैं रख दूं अंदर ही रहने दे मैं रख दूं अंदर।